जय श्री बाकी बिहारी, जय श्री हरिदास भक्तजनों। भक्तजनों देखो, कल हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल आए हैं, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये हमने कृष्ण कुंज वृंदावन से मंगाए हैं। अगर आप किसी भी भक्तजन को मंगाने हैं तो आप कृष्ण कुंज वृंदावन से, भावना अग्रवाल से मंगवा सकते हैं। तो देखो, फाइनली हमारे घर पे आ चुके हैं लल्ला। और इनका हम कम से कम हमने 10-12 दिन पहले हमने इनको ऑर्डर किया था, जो कि 3 दिन का सिंगार होने में लगा था और बाकी इन्हें आने में। हालांकि ये परसों यहाँ पे डेली आ चुके थे, लेकिन घर पे हमारे कल ही आए थे हमारे। हम इनका इंतजार कर रहे थे, इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम इनका। बहुत ज़्यादा मतलब खाना अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी। बस मन था जल्दी से आएँ ठाकुर जी, लल्ला जल्दी से घर पे आ जाएँ। जो हमने सोच रखा है, जो भी हमने मतलब सोच रखा है वो हम करेंगे, लल्ला बस घर पे आ जाएँ हमारे। तो फाइनली लल्ला हमारे घर पे आ चुके हैं। तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि कल जब ठाकुर जी घर पे आए थे तो इनकी हमने पूजा की थी, प्राण प्रतीक्षा हुई थी इनकी, स्नान वगैरह सारा कुछ हुआ था, की वजह से हम कल वीडियो नहीं बना पाए थे। तो मैं वीडियो इसलिए आज बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ अपने लल्ला। और इनका नाम रखा है हमने माधव, जो कि बहुत सुंदर है। जैसा इनका स्वरूप है ना, इसी तरह से इनका नाम भी एकदम वही है, माधव। तो आप हमें बताना कि आपको माधव नाम कैसा लगा। और ये हमारे लल्ला 16 नंबर के हैं और इनका वेट 10 किलो है, जो कि इनका स्वरूप इतना प्यारा है, जो देख ले एक बार मतलब देख के इनका दीवाना हो जाए, बस वही है। कल जब हमारे बिल्डिंग में आए थे तो हमारे बिल्डिंग की लेडीज़ ही सभी लोग आए थे, उन्होंने देखा लल्ला को, इतनी तारीफ़ की लल्ला की, बहुत ज़्यादा। कल इनको नज़र लगी, इनकी नज़र उतारनी पड़ी, मतलब इतनी नज़र लगी कल हमारे लल्ला को, बहुत ज़्यादा। सब लेडीज़ आई थी, खिला के गई थी, लल्ला लल्ला करके ऐसे खिला के गई थी, बधाई दे के गई थी, ताली बजा बजा के, और भजन गाए इनका, मतलब इतना खुश हो रही थी, सब लोग इतना तारीफ़ कर रही थी, वाह कितने अच्छे लल्ला है, कितने अच्छे हैं। तो बहुत सुंदर स्वरूप है। मतलब हम इनका वेट कर रहे थे, इतनी बेसब्री से बोल रहे थे ना, कि मतलब बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, बस वही हुआ। जैसे हमने पार्सल खोला, ओपन किया, और इतना मीठा फल निकला, ये कानोड़ा इतने सुंदर निकले, बहुत, जो इन्होंने मन मोह लिया, हमारा दिल जीत गया इन्होंने। तो हालांकि हम 2 दिन से वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ये करेंगे वो करेंगे, तो लल्ला को आने में थोड़ा टाइम लगा। वहाँ से मैं फ़ोन कर रही थी बार बार भावना के पास, भावना क्या हुआ अभी तक मतलब ठाकुर जी आए नहीं है। तो भावना ने मुझसे बोला, दी थोड़ा सब्र करो आ जाएंगे। तो फाइनली हमारे घर पे आ चुकी हैं। देखो कितना मतलब इनका इतना प्यारा स्वरूप है, मतलब लेडीज़ें आई थी सामने खड़ी हुई थी, देख रही थी, अरे वाह इन्होंने तो मन मोह लिया, हटने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा बातें कर रहे हैं हमें, साक्षात बैठे हैं यहाँ पे, बस वही हाल है। तो फाइनली हमारे घर पे आ चुकी हैं। देखो कितना मतलब इनका इतना प्यारा स्वरूप है, मतलब लेडीज़ें आई थी सामने खड़ी हुई थी, देख रही थी, अरे वाह इन्होंने तो मन मोह लिया, हटने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा बातें कर रहे हैं हमें, साक्षात बैठे हैं यहाँ पे, बस वही हाल है हमारा भी। हम पहले हमारा फ्लैट अच्छा लगता था, अच्छा था हमारा फ्लैट, लेकिन अब जो बोलते हैं ना कि हमारे फ्लैट को 4 चांद लग गए, एकदम मतलब 4 चांद लग चुके हैं हमारे फ्लैट को। तो हमने सोचा है कि जो हमारी मेन डोर है वहाँ पे हम प्लेट लगवाएंगे माधव कुंज के नाम से, क्योंकि जब से हमारे घर में आए अब तो सब कुछ इनका है, हम खुद इनके हैं अब। तो हमारे घर में आए जब से ये तो सब कुछ इनका, तो हमने प्लानिंग किया है कि हम अपने मेन डोर पर माधव कुंज लिखवा के वहाँ पे लगवाएंगे। तो बस इंतजार करते 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 आखिर फाइनली लल्ला हमारे घर आ चुके हैं। तब मैं सोचती थी मतलब 2 दिन थे आने में, मन का जल्दी से आ जाएं ठाकुर जी, जल्दी से जाएं। तो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि कब आएंगे, इतना इंतजार क्यों करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतजार कराया। तो मैं उस दौरान मतलब एक भजन सुनती थी, एक भजन मेरे दिमाग में ऐसे बैठा हुआ था, जो कि मैं आपको सुनाती हूँ, बताती हूँ कौन सा भजन था। नैना थक गई राह निहारू, कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो, हाय ठाकुर जी अब देर ना करो। नैना थक गई राह निहारू, कन्हैया अब देर ना करो, नैना थक गई राह निहारू, कानूड़ा अब देर ना करो। तो
फाइनली कान्हा जी हमारे घर पे आ चुके हैं, हमारे लल्ला हमारे घर पे आ चुके हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हैं। तो जिसको भी ठाकुर जी की सेवा करनी हो वो भावना अग्रवाल के पास ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं कृष्ण कुंज वृंदावन से, ठीक है? आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। और भावना का नेचर इतना अच्छा, अगर किसी भी बंदे ने एक बार बातें कर ली ना तो बस वो ही है, मतलब वो इतने अच्छे से बातें करती है, सारी ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह सब उसकी भावना की चॉइस की हैं, जो कि हमें बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच भावना, इतने अच्छे इतने प्यारे से लल्ला हमें भेजने के लिए। थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू सो मच, बहुत 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 सारा प्यार भावना आपको, इतना सारा मतलब इतना सुंदर स्वरूप हमें भेजने के लिए। बस ठाकुर जी अब हमारे सामने बैठे हैं, हमारे माधव सामने बैठे हैं, निकलते बढ़ते इनसे ही बातें करते रहते हैं। तो जिसको भी अगर ठाकुर जी की सेवा करनी हो तो कृष्ण कुंज वृंदावन से मंगवा सकते हैं, भावना अग्रवाल से। ओके ठीक है, जय श्री बाकी बिहारी, जय श्री हरदास भक्तजनों।